फिल्मी जीवन, जिसे देख के कई नौजवान देखा देखी में खुद की जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। कड़ी मेहनत के बिना वो मुकाम हासिल करना चाहते हैं जिसे पार करना आसान नहीं। फिल्म सितारों की जिंदगी वैसी नहीं दिखती और वैसी नहीं होती जैसे हम बड़े पर्दे पर देखते हैं। बड़ा पर्दा तो बस एंटरटेनमेंट का जरिया है, उसे असली जिंदगी से जोड़ देना सही नहीं। बस इंसान यही गलती कर लेता है। प्रसिद्ध अभिनेत्री परवीन बाबी के दर्द भरे अंत देखने के बाद पता चला, यहाँ एक परवीन बाबी नहीं है, न जाने कितने बॉलीवुड सितारे हैं यहाँ जिनकी जिंदगी नर्क से कम नहीं है। आप उन्हें रास्ते पर पड़ा सूखे पत्ते के समान देख सकते हो जिसकी खुद की कोई दिशा नहीं। उन्हीं सूखे पत्तों में से एक पत्ता है जिसका नाम है राजकिरण। मैं आरजे अनामिका आई हूँ कहानी लेकर राजकिरण की, आपके अपने चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज पर। डरिए मत, राजकिरण आज भी जिंदा है। 80 के दशक का वो खूबसूरत सितारा अब कहाँ है, इस बात का सही जवाब देखा जाए तो किसी के पास नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में राजकिरण को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं। राजकिरण को लेकर वक्त वक्त पर अलग अलग थियोरीज आई हैं, लेकिन सबसे पुख्ता दावा किया है कि राजकिरण अमेरिका के अटलांटा में स्थित एक पागलखाने में अपना इलाज करवा रहे हैं। इस दावे पर राजकिरण के भाई गोविंद मेहतानी ने भी मोहर लगाई है। 19 जून 1958 में मुंबई में जन्मे राजकिरण मेहतानी शुरू से ही होशियार अभिनेता थे। फिल्मों में उन्हें पहला ब्रेक दिया बीआर इशारा साहब ने। वो फिल्म थी कागज की नाव। 1975 की इस फिल्म में अभिनेत्री सारिका भी मुख्य किरदार में थी। अर्थ, घर हो तो ऐसा, कर्ज, तेरी मेहरबानियां, बसेरा और बुलंदी जैसी फिल्मों में राजकिरण ने इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली। और एक दौर ऐसा भी आया जब उनकी गिनती बॉलीवुड के स्टार कलाकारों के साथ होने लगी। उनका अभिनय किसी सुपरस्टार से कम नहीं था, बल्कि उनकी अपनी एक अलग शैली थी। 80 के दौर में उनके खूब सारे फैंस हुआ करते थे और कहा यह भी जाता है कि उन्होंने खूब सारा शोहरत और पैसा भी कमा लिया था। पर 90 के दौर में राजकिरण के सितारे घूमने लगे। करीब करीब 125 फिल्मों में चमक चुके राजकिरण अचानक फिल्मों से गायब हो गए। फिल्म इतिहासकारों का कहना है कि उन्हें काम मिलना बंद हो गया था। साल 1994 में राजकिरण को आखिरी बार फिल्म वारिस और सीरियल रिपोर्टर में देखा गया था, लेकिन इसके बाद राजकिरण को काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया। कहा जाता है कि इस नाकामी ने राजकिरण को डिप्रेशन की दुनिया में ढकेल दिया था। डिप्रेशन का आलम यह रहा कि वो दिमागी रूप से बीमार हो गए। पहले राजकिरण का इलाज मुंबई के भाईकला इलाके में मसीना अस्पताल में चला। इस दौरान उन्हें डायरेक्टर महेश भट्ट देखने भी गए थे। कुछ साल बीत गए और अफवाह फैल गई कि राजकिरण इस दुनिया में नहीं रहे, पर ऋषि कपूर और दीप्ति नवल ने 2011 के दौरान उन्हें तलाशने की कोशिश की थी और पता चला कि वो अब उनके परिवार और भाई के संग अमेरिका में हैं। उनके बीवी का नाम रूपा मेहतानी है और बेटी का नाम ऋषिका मेहतानी है। अफवाहों की माने तो कहा जाता है कि बीवी और बेटी के साथ उनका रिश्ता कड़वाहट भरा था, पर इस बात की कोई पुष्टि नहीं करता। खैर, आज के जमाने में हम यही चाहते हैं कि राजकिरण जहां भी हैं वो खुश रहें और अपने चाहने वालों के लिए एक बार अपना अस्तित्व दर्शाएं। तो मैं थी आपकी आरजे अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।